विनाश जी द फर्स्ट वर्ड बिकॉज आई कैन एक्ट आई कैन डांस इन मूवमेंट सॉरी इन विद इन अ मूवमेंट आई एम गुड विद एक्सप्रेशंस बट जैसे ही मुझे बोला जाता है ना कि आपको खड़े होकर एक्सप्रेशन देना है तो मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाती हूँ तो मुझे एक घंटा लग जाता है टू ईज आउट एंड टू काइंड ऑफ काम डाउन एंड डू द शॉर्ट्स प्रॉपरली बट हैविंग सेड दैट आज विकी के साथ शूट किया हमने विकी इदनानी एंड ही वॉज काइंड इनफ टू डू एवरी थिंग लास्ट मिनट एंड बहुत झटपट हमने एक कुछ काम आया एंड देन वी हैड टू शूट क्विकली बिकॉज टुमारो से ऑल्सो अगेन आई स्टार्ट शूटिंग सो ऑल थैंक्स टू हिम दैट दिस इज पॉसिबल बहुत अच्छा रहा हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी काफ़ी सारे चेंजेस किए और डिफरेंट किए जब पिक्चर्स आएंगे बाहर तो और जिस चीज़ के लिए आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा बट इट वाज ऑल गुड थैंकफुली जी पोज हाँ वो अपने फ़ोन पे ना अलग अलग लोकेशन पे जाके जब कोई आसपास नहीं होता तब बहुत सारे पोजेस हो जाते हैं बट फेवरेट पोज दिस आप ऐसा मुझे बहुत बार देखोगे जी सब मजाक भी उड़ाते हैं झुमके भी दिखाने होंगे तो मैं ऐसे ही दिखाती हूँ जी जी क्या बताऊँ अभी अभी तो एक दिन का ही आया है अभी वीकेंड हो जाने दीजिए ख़त्म तब आई थिंक रियलिस्टिक एक वो आएगा वर्जन आएगा दैट हाउ इट्स डूइंग बट इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द फर्स्ट डे इलेटेड वेरी एक्साइटेड वेरी हैप्पी बट लाइक आई सेड अर्लियर मुझे एकदम बहुत ज़्यादा खुशी होके जिंक्स करना अच्छा नहीं लगता चीज़ों को तो एज एंड वेन इफ इट गोज़ ऑन टू बिकम सक्सेसफुल देन आई विल बी रियली रियली हैप्पी एंड थैंकफुल जी यही थैंक यू कहना चाहूँगी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि आई हैव हैड आई थिंक द मोस्ट लॉयल सेट ऑफ फैंस फॉर एवर फ्रॉम द टाइम दैट आई हैव स्टार्टेड एंड नो मैटर व्हाट उन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है बिना कुछ सोचे कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि आज मेरा बेस्ट नहीं हो पाया है और इस सीन में मैंने अपना बेस्ट नहीं कर पाया है और फिर भी वो लोग उस बात को सराहते हैं दे ऑलवेज इफ आई एम एवर अनवेल और इफ़ आई एम तो सारी जितनी पर्सनल चीज़ें प्रोफेशनल चीज़ें हैं उनमें उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है लाइक लिटरली यू नो सो आई रीड ऑल द मैसेजेस दैट दे सेंट मी ऑन सोशल मीडिया सो इट्स ओवरवेलमिंग एब्सोल्युटली और मैं भी उन्हें उतना ही प्यार करती हूँ आई थिंक इट्स ऑलवेज टू वेज एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको डिसअपॉइंट ना करूँ और ऐसा ही सोचूँ कि आई एम अ बिगिनर एवरी डे सो आई ट्राई टू लर्न मोर एंड आई ट्राई टू डू मोर एवरी डे विथ ऑल ऑनेस्टी लाइक विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल आई रियली ट्राई टू गिव माई 100% एवरी डे एट वर्क वेर एवर आई एम धोनी के साथ पहले शूट कर चुका हूँ काफ़ी लेकिन अभी इनकी जो फिल्म है गोल्ड
इतनी सारी धूम मचा रही है, सबको इतनी पसंद आ रही है, तो आई सेड देन इट जस्ट अबाउट टाइम दैट वी रीकनेक्ट एंड वी डू समथिंग स्पेक्टेक्युलर ऑल गोल्ड एंड स्टफ लाइक दैट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी इज वेयरिंग टुडे. सो या लेट्स गोल्ड, मैंने उसके सिर्फ रिव्यूज सुन रहा हूँ मैं, देखे नहीं है अभी, खाली बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, इतने रिव्यूज अच्छे हैं, बट मैं अभी इस वीकेंड पे पक्का जाके कैच करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ आप सब जो देख रहे हैं वो भी जाके इस वीकेंड पे कैच करें. जी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने सुना, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ, दैट मीन्स दैट पीपल आर एटलीस्ट टॉकिंग गुड अबाउट द फिल्म. सो जस्ट दैट यू फील ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट दैट पीपल आर टॉकिंग सच गुड थिंग्स अबाउट. कैसा एक्सपीरियंस होता है जब भी आप मोनी जी के साथ में काम करते हैं? द थिंग विद हर इज ये इतना इवॉल्व होती है, मैंने इनको जैसे पहले 2-3 बार शूट किया है ऑल, यू नो, इससे पहले तो मैं जब भी शूट करता हूँ ये हमेशा आते हैं एक स्टेप और इनकी प्रेपरेशन में, इनके पर्सनालिटी में, और इनके यू नो हम दोनों ना एक्चुअली बहुत सेम है, वी क्लैश अ लॉट, लाइक ही पुट्स हिज आइडियाज, आई पुट माय आइडियाज, देन वी ब्रेनस्टॉर्म, सो उसके चलते कुछ अच्छा निकल के आता है. इट्स नॉट दैट आई हैव इवॉल्वड और एनीथिंग, इट्स दैट ही इज सो गुड एंड ही पुट्स so much effort and so much of his mind into any shoot that he does, that's why it comes out the way that it does. हाँ, मतलब इनके साथ जब हम आज भी प्लान कर रहे थे तो यू नो स्टार्ट जो हो रहा था, क्योंकि लास्ट मिनट पे हमने सारा शूट प्लान किया था, तो ऐसा लग रहा था कि यू नो इनका जो माइंडसेट है एक डायरेक्शन में है, मेरा माइंडसेट दूसरे डायरेक्शन में है. ये अपनी बात को लेके बहुत स्टबन है, मैं अपनी बात को लेके बहुत स्टबन हूँ, लेकिन हमने रियलाइज़ किया, एक पॉइंट आया कि हम दोनों को जो पसंद आ रहा था वो दोनों को सेम ही पसंद चीज़ पसंद आ रही थी. सो देन या ऑन सिर्फ हमारे राउट्स जैसे उन्होंने बोला अलग अलग थे, लेकिन जब फर्स्ट चेंज हो गया और हमने दोनों ने रियलाइज किया कि हम दोनों को सेम ही चीज पसंद आ रही है, तो फिर तो उनको भी मजा आने लगा काम करने में और मुझे भी मजा आने लगा, और फिर इसके लिए आज का शूट कमाल का. थैंक यू.